केंद्र सरकार जितना पैसा किसी गरीब के लिए, किसी किसान के लिए भेजती है, वो पूरा पैसा सीधा उसके खाते में पहुंचता है। भाइयों बहनों, आज देश के लगभग 10 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 19,500 करोड़ रुपए के से भी अधिक ये रकम सीधी उनके खाते में ट्रांसफर हो गई है। जी हाँ भाई बहनों, बिल्कुल सही सुना आप लोग ने। बता देना आते हैं, कल लाइव आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को संबोधित किया और 14 करोड़ से अधिक गरीब वर्ग के भाइयों बहनों के लिए उनके जनधन खाते में 1923 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए, जिसके अंतर्गत जिन लोगों ने भी अपने जनधन खाते को अपने आधार कार्ड से लिंक करा रखा था, उनको उनके जनधन खाते में सीधे 2000 रुपए की धनराशि केंद्र सरकार की तरफ से मिलने जा रही है। हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं, यह पैसा सिर्फ उन लोगों को भेजा गया है जो लोग गरीबी रेखा में आते हैं, और अभी तक ये पैसा आपको नहीं मिला है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आज भी अगर आप लोग आवेदन कर देते हैं, ये पैसा सीधे आपको आपके जनधन खाते में मिलेगा। और इसी के तहत आपको बता दें कि एक बड़ी घोषणा हो गई है, जिसके अंतर्गत जिन लोगों की शादी होगी उनकी शादीशुदा घर की महिला को अब भारत सरकार की तरफ से 6000 रुपए की धनराशि मिलेगी। आवेदन करने के लिए बस कुछ दस्तावेज होने चाहिए। भाइयों बहनों, आपको बता दें, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के गरीबों के लिए कुछ बड़ी योजनाएं शुरू की हैं, जिसके अंतर्गत हम सिर्फ वो खबर आपको बताने आ रहे हैं जो जनधन योजना के अंतर्गत आती है। आपके जनधन योजना में अब आपको हर साल 6000 रुपए कैसे मिल सकते हैं अगर आप लोग सरकारी नौकरी में नहीं है, और आपके घर की महिला को 6000 रुपए कौन सी योजना के अंतर्गत मिलेंगे, इसके लिए आवेदन कैसे करना है, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसकी पूरी खबर डिटेल जानकारी आपको हम अपने इस वीडियो में बताने आ रहे हैं। ये वीडियो मात्र 1 से 1.5 मिनट का होने वाला है। इस वीडियो से आप लोग अपना ही नहीं अपने पूरे परिवार का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है महिलाओं के लिए। आपको बता दें, अब कोई भी महिला जो पहली बार गर्भवती होती है, मोदी सरकार की स्कीम और योजना के अंतर्गत उनके शिशु के लालन पोषण के लिए पहली बार गर्भवती होने पर 6000 रुपए की धनराशि दी जाएगी। इसके लिए उस गर्भवती महिला को सिर्फ अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र जाना है, वहां पर जाकर अपना जनधन खाता देना है, अपना पता देना है, जिसके बाद उनके खाते में 3 किस्तों में ये पैसा पहुंचाया जाएगा। और आपको बता दें, अगर आप लोग विकलांग हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, बेरोजगार हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, अगर आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है, एक आवेदन करने पर अब आपको हर साल 3 किस्तों में 6000 रुपए की धनराशि मिलेगी, जिससे आप लोग अपना ही नहीं अपने पूरे परिवार का लालन पोषण कर सकते हैं। कल मोदी सरकार ने ये पैसा भी ट्रांसफर किया और 14 करोड़ से अधिक लोगों को ये पैसा भी मिलना चालू हो चुका है। आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है, ये कौन सी स्कीम है, चलिए जानते हैं हमारे इस वीडियो में। सबसे पहले आवेदन करने के लिए आप लोगों को ये जान लेना है, इसमें सिर्फ वही आवेदन कर सकते हैं जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है। अगर आप लोग सरकारी नौकरी में हैं तब आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। दूसरा, आपके पास एक सरकारी बैंक में जनधन खाता होना चाहिए। अगर आपका जनधन खाता किसी प्राइवेट बैंक में है तब भी आप लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं। तीसरा, आप लोगों के पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए। अभी तक आपने अपने जनधन खाते को अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है, अटैच नहीं कराया है, तब भी आप लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोग इन शर्तों के अंतर्गत आते हैं, सिर्फ एक आवेदन कीजिए और हर साल अपने जनधन खाते में 6000 रुपए की धनराशि पाइए, चाहे आपके जनधन खाते में 1 रुपया पड़ा हो चाहे ना पड़ा हो। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि भाइयों बहनों, हमारे चैनल के माध्यम से हर हफ्ते 5 लोगों को चुनाता है और 5 एंड्रॉइड के मोबाइल दिए जाते हैं। इस हफ्ते की भी महाप्रतियोगिता चल रही है। आपको कमेंट सेक्शन में सिर्फ इतना उत्तर देना है कि आपके हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सबसे अच्छी सरकारी योजना कौन सी है। आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। हमारे कंप्यूटर पर जिनका नाम सबसे पहले आएगा, जिनने वीडियो को लाइक किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, उन्हीं में से 5 लोग चुने जाएंगे और उनके 5 एंड्रॉइड के मोबाइल इसी हफ्ते उनके घर तक पहुंचा दिए जाएंगे। इसलिए कमेंट सेक्शन में सही उत्तर दीजिए और वीडियो लाइक करना कतई मत भूलिएगा। तो आपको बता दें भाई बहनों, कल मोदी सरकार ने 1900 करोड़ से अधिक रुपए ट्रांसफर किए हैं, जो हमारे देश के 14 करोड़ से अधिक किसानों के जनधन खाते में जाने वाले हैं। ये नवी किस्त का पैसा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत, जो मोदी सरकार देश के किसानों को उनके जनधन खाते में हर साल देती है। अभी तक आप लोग ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आवेदन नहीं किया है। आवेदन करने के लिए सिर्फ आपको www.pmkisan.gov.in पर जाना है, यहां पर आवेदन कर दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर आप लोग गरीबी रेखा में आते हैं, किसान हैं, खेती करते हैं,
हैं, आपको भी सालाना 6 रुपए मिलना चालू हो जाएगा। आप लोग इसके बारे में कंप्लीट जानकारी चाहते हैं, इसका हमने पूरा पोस्ट बनाकर अपनी कम्युनिटी में डाल दिया है। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग कम्युनिटी में जाकर हर स्टेप को देख सकते हैं। आवेदन कर दीजिए और आपको भी ये पैसा मिलेगा, जिससे आप लोग अपने ही नहीं अपने पूरे परिवार का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। ऐसी ही हर सरकारी योजना के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। भारत माता।